113 मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स किस किस के ऊपर लगता है? हर इंडिविजुअल या एओपी जिसकी एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा है, मींस 1 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर 113 लगेगा। नंबर दो, हर कंपनी पे 113 लगना है, चाहे उसकी टर्नओवर 10 रुपए हो। प्रिजेम्प्टिव फाइनल टैक्स वालों के ऊपर 113 एप्लीकेबल नहीं है। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिन ट्रांजैक्शंस पे मिनिमम टैक्स है, दूसरा वो जो विदहोल्डिंग हो जाती है और मिनिमम होता है, उसके ऊपर 113 नहीं लग सकता। देखिए, दो मिनिमम टैक्स तो नहीं हो सकते ना यार, ये पोर्टल कर रहा है। पोर्टल क्या कर रहा है कई केसेस में कि वो मिनिमम टैक्स आपने लिखा ना टर्नओवर में कि जी मेरी 1 करोड़ की टर्नओवर है, उसमें से 80 लाख की टर्नओवर पे आपकी विदहोल्डिंग हुई हुई है, पोस्ट प्लाइज है, ये बड़ा प्रैक्टिकल इशू है। तो 80 लाख पे टैक्स कटा हुआ है 4.5%। आप जब टर्नओवर में 10 मिलियन डालते हैं, वो उसके ऊपर दोबारा 113.5% कैलकुलेट करके फिर लाइबिलिटी बना देता है आपकी 80 लाख पे। तो एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दो मिनिमम टैक्स तो नहीं हो सकते ना, लॉजिकल ही नहीं है ना, मतलब जेन ही नहीं मानता इस बात को। 4.5% तुमने एक मिनिमम ले लिया, अब तुमको जी 1.5 और मिनिमम दे, तो ये कौन सा मिनिमम है भाई? तो मिनिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ही हो जाएगा ना। तो इसलिए लॉजिकल नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि जहां 113 का रिपोर्ट करना है आपने, वहां पे सिर्फ 20 लाख लिखे, वो टर्नओवर जिसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं हुआ हुआ, फिर आपकी लाइबिलिटी ठीक निकालेगा वो। अच्छा जी, मिनिमम टैक्स रेट जो है उसका, वो तो है 1.5% स्टैंडर्ड रेट जो है। बाकी आप इसमें फर्स्ट कैजुअल में जाएंगे, डिवीजन 9 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट कैजुअल, तो वहां कुछ रिड्यूस रेट्स भी हैं, जैसे सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए रिड्यूस रेट है, फिर आपका एफएमसीजीज के लिए रिड्यूस 0.25 है शायद, इसी तरह मुख्तलिफ रिड्यूस रेट्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रेट जो है दैट इज 1.5% रिड्यूस रेट आपको फर्स्ट कैजुअल में जाके देखने पड़ेंगे। उसके बाद है जी आपका नो कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ लॉस। हाँ, ये जरा पॉइंट समझिएगा, आपका लॉस है, आपने अपनी टर्नओवर का 1.5% तो पे करना ही करना है। आपका प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट पे जो टैक्स बन रहा है वो कम है एज कंपेयर टू 1.5% ऑफ द टर्नओवर, तो फिर भी आपने 1.5 ऑफ द टर्नओवर ही पे करना है, बिकॉज दैट इज योर मिनिमम टैक्स। इन दो सूरतों में फर्क क्या होगा कि अगर तो लॉस है तो जो आपने 1.5% पे किया, गौर से समझिएगा, जो 1.5% पे किया है आप फारिग करना है, ठीक है, बस वो खत्म होगी, कहानी खत्म होगी, क्लोज, इस साल की किताब क्लोज होगी। अगर मेरा लॉस है और मैंने टर्नओवर का 1.5 जमा करा दिया है, तो वो इस साल की लायबिलिटी थी जो रिटर्न के साथ जमा करानी थी, वो मैंने करा दी, कहानी खत्म, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट है, सपोज करें मेरा प्रॉफिट पर टैक्स बन रहा है 20 रुपए और टर्नओवर का 1.5 बन रहा है 100 रुपीज, अब ये जो 80 रुपीज का डिफरेंस है ना सर, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले 5 सालों में मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ उस साल में जिस साल में मेरा एक्चुअल प्रॉफिट पे टैक्स ज्यादा होगा, अगले साल भी मेरा टर्नओवर का टैक्स ज्यादा, तो फिर वो भी मुझे वही पे करना है, मिनिमम तो वही है, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5 साल के लिए। करना ही करना है, ये तो मिनिमम है ना जी, ठीक हो गया सर। उसके साथ है 113C ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो आप 113 में पे कर रहे हैं या जो एक्चुअल आप टैक्स पे करते हैं ना प्रॉफिट पे, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है 17% ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक आपका होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होती है टैक्सेबल इनकम या टैक्स प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर आपके अभी आगे चल के आप बिजनेस इनकम में देखेंगे कुछ एडमिसिबल कुछ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होते हैं, जब आप उनको करते हैं तो आपका टैक्स प्रॉफिट डिफरेंट हो जाता है। मिसाल जैसे इनिशियल अलाउंस मिलता है हमें इनकम टैक्स में, तो अकाउंटिंग में तो इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट नहीं है,
तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, टैक्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। तो जहां इस वजह से जो कहते हैं जी कि आप एक तरफ अब जरा जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17% भी कैलकुलेट कर लें और उसको कंपेयर कर लें अपने 113 के टैक्स के साथ, वो जो 1.5% कैलकुलेट किए, और एक्चुअल टैक्स के साथ। अब तीनों में से जो ज्यादा है वो पे करना है। अब क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट पे जो टैक्स है वो, और 1.5% ऑफ द टर्नओवर, और 17% ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हिच एवर इज हायर दैट इज पेबल। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। अब अगर 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर हायर हो गया तो पे तो ये करना पड़ेगा। अब इसका और जो आपके प्रॉफिट पे टैक्स बन रहा है, अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो फिर तो कहानी खत्म होगी ना, लेकिन अगर प्रॉफिट पे जो टैक्स बन रहा है उसका और इस और 113 का जो टैक्स था 1.5%, वो डिफरेंस अगर था तो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड था, 5 years के लिए। अब अगर आपका 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है उसका टैक्स और प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम का जो टैक्स है इसका जो डिफरेंस है वो 10 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसका पीरियड 5 साल है, इसका पीरियड 10 साल है। तो अब आपने करना क्या है सर, आपने आगे 113 पढ़ना है, 113C पढ़ना है। चलें जी फिर, जजाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।